हेलो गाइस, वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। तो आज के व्लॉग में हम जो है गणेश जी को विसर्जन करने जाएंगे। आज हमारे मोहल्ले में गणेश विसर्जन होगा, तो हम दोनों उसमें व्लॉग वीडियो शूट करेंगे और गणेश विसर्जन के कुछ अच्छे अच्छे क्लिप हम आपको दिखाएंगे। तो गाइस, हम जिस अभी एरिया में, इसको बोलते हैं रेवती बाड़ा, जो है कस्तूरबा नगर में। तो अभी अपन चलते हैं पंडाल के पास। जो दूसरी गली है वो क्या अभी बंद हो गई है ना सर? वो एक और गली है रामकली बाड़ा वाला, जो कि अभी बहुत भीड़ होगा क्योंकि उस साइड पे जो डीजे, हमको इस सकरी गली से जाना पड़ रहा है, जो बहुत ज्यादा देख सकते हैं आप, इसी से पैदल ही जाया जा सकता है। बट और सर, गाड़ी वगैरह आ चुके हैं, मतलब हाँ, डीजे वगैरह कंसर्ट हुआ था नॉइस से, इसलिए हम लोग को थोड़ा पीछे जाके रिकॉर्ड करना पड़ा। तो गाइस, पंडाल हमारा आने वाले, हम आपको दिखाते हैं अपना पंडाल। तो चलिए दिखाते हैं आपको, इधर नॉइस भी बहुत आएगा गाइस। मैं आपको पीछे दिखाता हूँ, पीछे पंडाल है अपना। चलो, म्यूजिक थोड़ी देर के लिए बंद हो गया है। यहाँ पर गणेश जी को ले जाया जा रहा है, आप देख सकते हैं पीछे गणेश जी का आसन ले आ चुके हैं अपन, और यहाँ से ले जाया जा रहा है इनको। भीड़ देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा भीड़ है यहाँ। मैं आपको दिखाऊंगा, ये देखो पीछे आप, और फ्रंट का तो अभी आगे जाना पड़ेगा, भीड़ की वजह से मैं जा नहीं पा रहा हूँ। गणेश जी को यहाँ से ले जाया जा चुका है, और गाइस बहुत ही ज़्यादा सुना लग रहा है गणेश जी के जाने के बाद। अभी हालांकि रह नहीं, देखते हैं अब आगे। आप पंडाल जो है खाली हो चुका है, और इधर का तो देखते आप पूरा सुना हो गया, और सभी जो है कुछ महिलाएं अभी मतलब देख रही है गणेश जी का, वेट कर रही है। और अभी पूजा तो शायद नहीं होगा ना, आरती हो चुकी है, उसके बाद ही गणेश जी को लाए गए। हाँ, यहाँ पर तो फाइनल आरती भी हो चुका है, और हो सकता है कि एक बार और फिर से आरती करें। लास्ट डांसर है, अपन आपको दिखाते हैं आगे का डांस जो, और आगे तो अभी बच्चे बहुत डांस कर रहे हैं, काफी नॉइज होगा आगे, तो हम लोग भी डांस करेंगे। करेगा डांस करेंगे तो चलिए डांस करेंगे हम लोग भी।
उत्तलापुर पेट्रोल पंप के पास आ चुके हैं और हम लोग यहाँ पर पेट्रोल डाल दिया। कितनी अच्छी है, चलते गाइस। लोकेशन पे पहुंच चुके हैं, तो गनियारी गाइस अपन जाने वाले थे गोरी डैम, बट हमको मतलब लगा था कि कोरियन डैम है, बट बाद में पता चला कि गनियारी के आगे एक तालाब है वहां जाना। तो अभी हम लोग यहां आ चुके हैं और ठंड बहुत ज्यादा लग रहा है, अब सुन सकते हैं मेरा वॉइस बहुत थक रहा होगा। तो बाकी लोग तो जो है उसमें आए क्या ट्रक ट्रक में आए और हम लोग जो बाइक से आए, बहुत ही ज्यादा ठंड है और यहां भाई लोग जो नहा रहे हैं आपस। अरे भाई लोग हेलो बोल दो। अरे भाई लोग तो गाइस अपन आ चुके हैं नहाकर और देख सकते हैं आप हमको एकदम ठंडी लग रहा है बाहर। हम लोग बहुत ही अंदर दूर तक गया था तैरने और फिर सांस फूल गया और ठंड भी काफ़ी है अंदर अंदर गर्म था ना पानी, अंदर का पानी गर्म है तो बहुत ही मज़ा आ रहा था और बाहर निकलने का तो मन नहीं होता, बट क्या ही करें। गाइस अपन नहा भी लिए हैं और अपन बाहर भी निकल गए, अब उधर गणेश जी को लाया जा रहा है, ट्रक से उतारा जा रहा है, वो देखो दूर में आप देख सकते हैं। तो अपन चलते हैं वहाँ, मैं आपको ले जाता हूँ। विकास भी मेरे से पहले ही पहुँच गया ये देख सकते हैं आप छोटे गणेश जी। तो गाइस आप देख सकते हैं गणेश जी कहाँ से ले जाया जा रहा है, जल्दी तो यहाँ पर थोड़ा नहा लिया है और बहुत ही ज्यादा मस्ती की और फाइनली जो है बड़ा बड़े वाले जो गणेश जी है उनको जो है लेके जाने वाले देख पा रहा हूँ। पीछे जो है गणेश जी का मूर्ति को ले जा रहे हैं और जो कि बहुत ही वजन है, इसलिए लगभग कितने 6-7-8 लोग हैं इसको उठाने के लिए। विसर्जन कर दिया गया है। तो गाइस अपन अब जा रहे हैं यहाँ से, हाँ तो अपन रोड के पास जा रहे हैं अभी और वीडियो का आउटरो करेंगे अभी। सभी को इकट्ठा कर लिया है, हाँ ठंड की वजह से मेरे मुंह से क्या है आवाज़ नहीं निकल रहा है और ये हम चढ़ चुके हैं ऊपर और धीरे 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 ओके यही गाड़ी को उस पर रोक दे इस पर कॉर्नर में। हमने गणेश जी को सकुशलता पूर्वक विसर्जन कर दिया, तो आइए जानते हैं यहाँ मोहल्ले वाले भैया लोगों के क्या कहना है। भैया हम लोग 10 दिन से हो गया मोहल्ले में गणपति जी का विराजित किए थे, हम लोग 10 दिन गणपति जी को बैठाए हैं, हमको बहुत अच्छा लग रहा था मोहल्ले में एकदम से, बहुत मतलब प्यारा सा वो लग रहा था। जो होना है वो होगा। अब सुनो रही बात संस्कार समिति आपका हार्दिक अभिनंदन करती है, मेरे भाई मेरे प्रिय मेरे छोटे मेरे बड़े जितने आए हुए व्यक्ति को आपका एकदम तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और रही बात जितने भी यहाँ हमारे छोटे भाई आए हैं वो लोग अपने समय निकाल के बैठे हैं, उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमारे विसर्जन में आपका सहयोग रहा, जो भी गलती हुआ उसकी क्षमा करें, मैं माफ़ी मांगता हूँ। आप जितने मेरे मोहल्लेवासी हम सदा सदैव आपके तट पर
खड़े रहेंगे। जय जय श्री राम, जय श्री राम, हर हर एक ही नाम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। मेरे दोस्त और मेरे भाई और मेरे छोटे भाई लोग जितना भी वीडियो बनाते हैं शेयर करें और लाइक करें और इनके चैनल को सब्सक्राइब करें। Love the chase and the hunt.